बिल्कुल बिल्कुल शालिनी, क्योंकि क्विक रिस्पांस टीम QRT जो है वो बहुत जल्दी रिस्पांस करती है, और QRT जो है वो घूमती रहती है। मैंने खुद देखा है कि एक बूथ से दूसरे बूथ, दूसरे बूथ से तीसरे बूथ, और जिस जी मीडिया संवाददाता की हम बात कर रहे हैं, देखिए उन लोगों का काम ही यही है, हम एक बूथ से दूसरे बूथ ट्रेवल कर रहे हैं। शालिनी, खुद हम भी यहाँ पर जहाँ हम दीदी अस्थायी रूप से ठहरी हुई है रेयापाड़ा, उसके आजू बाजू बूथ में हम जाके देख रहे हैं कि कहीं किसी तरह की कोई झमेला वाली चीज तो नजर नहीं आ रही है। मैत्री को जैसी ही खबर मिली कि पोलिंग एजेंट को एंट्री नहीं दी जा रही है, मैत्री उनके साथ पहुंची। बस यही नागवार गुजरा TMC के गुंडों को कि आप BJP के पोलिंग एजेंट के साथ उनकी पैरवी करते क्यों आई हैं, बल्कि मैत्री सिर्फ अपना धर्म निभा रही थी। उनका काम है रिपोर्ट करना, अगर TMC के पोलिंग एजेंट को भी एंट्री नहीं दी जा रही होती तो उसको भी हम दिखाते। और खुद मैंने दिखाई है वो तस्वीर, खुद मैं खेजूरी में मौजूद थी, वहां TMC के जो उम्मीदवार थे वो वहां पर मौजूद थे। उन्होंने कहा 200 मीटर के अंदर ये 10-20 लोग मौजूद हैं और ये यहाँ बूथ घेरे हुए हैं, बूथ पर जमा है, इकट्ठा है, हम वहीं पे मौजूद रहे। हमने उनसे बात की, हमने उम्मीदवार की भी बात दिखाई, हमारा काम ही यही है, हमारा धर्म ही यही है। लेकिन जब आपको बर्दाश्त नहीं होता है, आपको अपना गुंडाराज दिखाना होता है, तो आप क्या करते हैं, इसी तरह की हरकत करते हैं। मैत्री, मैं उनको पर्सनली जानती हूँ, मैत्री को जी मीडिया जो है निष्पक्ष रिपोर्टिंग करता रहा है, और अगर यही दिक्कत TMC के साथ होती तो उसी ईमानदारी के साथ हम वो तस्वीर भी पहुंचाते, उनकी मदद करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये TMC के कार्यकर्ता गुंडे बन चुके हैं और इन गुंडों की हकीकत लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि अब इन सभी की गिरफ्तारी हो चुकी है। सरफराज सैफी का हम रुख कर लेते हैं। सरफराज, आखिर दिक्कत क्या है, क्योंकि अगर ये कार्यकर्ता अपने चुनाव प्रचार के लिए पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं तो फिर ऐसी हिंसा की तस्वीरें क्यों निकलकर सामने आती है? सरफराज सैफी का हम रुख करेंगे, लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यही वो कार्यकर्ता गुंडे हैं जिन्होंने हमारी टीम पर हमला किया, महिला सहयोगी मैत्री पर हमला किया। तस्वीरें हैं जी बेहद शर्मनाक तस्वीरें हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि ना केवल हमारी सहयोगी पर हमला हुआ बल्कि शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी पर भी अटैक किया गया। और इससे पहले, क्योंकि मैं लगातार जंगल महल के इलाके में रहा हूं, कई बार हमें भी अटैक करने की कोशिश की, लेकिन सूझबूझ के चलते हम बच गए, चूंकि हमारा काम है और लगातार इस तरह की खबरें हम करते रहते हैं। लेकिन जिस तरीके से हमारी सहयोगी की टीम पर हमला, गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, तोड़फोड़ कर दी गई है, ये बेहद शर्मनाक है। और मुझे लगता है कि ये जंगल राज नहीं तो क्या है, क्योंकि जिस तरीके से हमला हो रहा है, आप तस्वीरों में जिस तरीके से हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं तस्वीरें, किस तरीके से तोड़फोड़ कर रहे हैं, और ये तोड़फोड़ बहुत ज्यादा हो रही है। यानी इनकी मंशा क्या थी, आप इस बात से अंदाजा लगा सकती हैं। और तस्वीरों के जरिए भी लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये गुंडे लगातार हमारी सहयोगी पर हमला कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, ये बेहद शर्मनाक तस्वीरें हैं। और दूसरी तस्वीर है, चूंकि मैं लगातार शुभेंदु अधिकारी के काफिले के साथ चल रहा हूँ, उनके काफिले की गाड़ी पर अटैक किया गया। हालांकि शुभेंदु अधिकारी सुरक्षित जरूर है, लेकिन इस तरीके से पत्थरबाजी करना कौन सी बात है, क्योंकि 2 दर्जन से ज्यादा गांव में लगातार शुभेंदु अधिकारी के साथ घूम रहा हूं, ऐसी तस्वीरें हम कहीं नहीं देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की तस्वीर आ रही। लेकिन अगर एक इलाके में जा रहे हैं तो वहां के लोगों में नाराजगी है, शुभेंदु अधिकारी को लेकर नाराजगी है, मीडिया को लेकर नाराजगी है। हालांकि कल जब मैं नंदीग्राम में रिपोर्ट कर रहा था, मुझे भी तकलीफ हुई, लेकिन कम से कम हम अपनी समझदारी से बच गए। लेकिन कई लोगों को संभालना बेहद मुश्किल काम है, और ये वो लोग हैं जो TMC के सुप्रीमो सर्वे सर्वा ममता बनर्जी के हाथ में भी नहीं है, क्योंकि उनके भी कब्जे से बाहर है ये लोग। হামলা হচ্ছিল গোটা গ্রামের যে সমস্ত মানুষরা ছিলেন, প্রায় সখানেক মানুষ যারা আমাদের শ্বেতা
जी बिल्कुल मैत्री यही कह रही थी बांग्ला में कि जब उनके टीम पर हमला हुआ तो गांव के लोग वहां पर मौजूद थे। देखिए क्या होता है, ये पोलिंग स्टेशंस जो है, पोलिंग बूथ जो है, वो इंटीरियर गांव में होते हैं और वहां पर जाना भी बहुत डिफिकल्ट होता है गाड़ी लेकर। जाहिर से बात है जी मीडिया की जितनी भी गाड़ियां, छोटी गाड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि हम सब तमाम बूथ तक पहुंच सके। मैत्री जब बूथ पर पहुंची और वहां पर क्योंकि बीजेपी के पोलिंग एजेंट साथ में थे तो टीएमसी के गुंडों को ये बोलने का मौका मिल गया कि आप बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए आई है और वहां पर गांव के लोगों के सामने अटैक किया गया। बल्कि समझाने की कोशिश ड्राइवर की तरफ से भी की जा रही थी और मैत्री भी समझाने की कोशिश कर रही थी। अगर आप खुद मैत्री से बात कीजिएगा तो आपको एहसास होगा कि मैत्री कितनी गंभीर संवाददाता है और वो तोल मोल के बोलती है, वो कभी ऐसी कोई बात नहीं बोलती। जो मैं करना चाहूंगी क्योंकि एक तस्वीर हमने दिखाई जब हमारी महिला रिपोर्टर के साथ बदसलूकी